गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू अवर ग्रामर टॉपिक पंक्चुएशन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स थ्री साइन। तीन साइन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी स्टार्ट इट्स फोर्थ साइन। आज हम इसका फोर्थ साइन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉलम। यू कैन सी इट्स शेप। शेप आप इसकी देख सकते हैं, जस्ट टू फुल स्टॉप रिटन इन टू फुल स्टॉप इन ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड कॉलम। वट इज कॉलम? कॉलम इज यूज इन अ सेंटेंस वेन गैप मोर देन सेमी कॉलम इज रिक्वायर्ड। कॉलम वहाँ रिक्वायर होता है जब हमें किसी सेंटेंस में जो गैप है वो सेमी कॉलम, आधे कॉलम से ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ कंप्लीट कॉलम यूज़ करते हैं। जब हमें सेमी कॉलम से ज़्यादा अंतराल की ज़रूरत, गैप की ज़रूरत होती है, तो हम कौन सा सिंबल, कौन सा साइन यूज़ करते हैं? कॉलम, जिसकी शेप है टू फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर अब जिंदा नहीं है, शेक्सपियर इज़ नो मोर नाउ, बट इवन देन वी आर राइटिंग शेक्सपियर सेज, फिर भी हम लिख रहे हैं शेक्सपियर कहता है। इट मीन्स ही इज़ नो मोर बट हिज वर्ड्स आर नाउ स्वीट एंड लाइव, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं गांधी जी सेज डू और डाई, गांधी जी कहते हैं करो या मरो, बट गांधी जी इज़ नो मोर। तो इन दिस टाइप ऑफ कोटेशन, इस तरह की कोटेशंस में हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलम इज़ यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट आर द यूज़ ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति का समय मित्र को परखने के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ प्रोवर्ब। तो इस कॉलम का यूज़ मुहावरे के आगे या किसी कोटेशन के आगे, कोटेशन को बताने के लिए, उस पर्सन की कोटेशन को बंद करने के लिए, ये रिमेंबर करवाने के लिए कि ये कोटेशन उस पर्सन की लिखी हुई है, एक रिमेंबरेंस के रूप में। और सेकंड थिंग, जहाँ हमें गैप की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ कॉलम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। इट इज़ वेरी सिंपल, यू ऑल्सो नो अबाउट इट, वेयर इट इज़ यूज्ड एंड वाई इट इज़ यूज्ड, कहाँ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। व्हेन स्पीकर आस्क सम क्वेरी आर इंफॉर्मेशन, जब वक्ता किसी सेंटेंस में कोई क्वेरी पूछता है, कोई डाउट लेता है, कोई प्रश्न पूछता है, कोई शक की बात करता है या कोई सूचना चाहता है, तब हम क्या लगाते हैं सेंटेंस के अंदर, एंड में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, स्पीकर आपसे पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। इट मींस स्पीकर को डाउट है अबाउट योर नेम, आपके नाम के बारे में डाउट है। ही वांट्स टू क्लियर, वो आपसे पूछ रहा है बाय पुटिंग साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन देकर आपसे पूछ रहे आपका नाम क्या है। सेकेंडली हम इसको क्लियर करते हैं, इज़ ही हियर, क्या वो यहाँ पर है। इट मीन्स स्पीकर को नहीं पता है ही कौन है और वो यहाँ है या नहीं, तो आपसे क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछ रहा है। सिंपली क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड व्हेन वी आस्क सम इंफॉर्मेशन, डाउट आर क्वेरी, जब हमें कोई सूचना चाहिए किसी के बारे में, कोई सूचना चाहिए या कोई डाउट, कोई संदेह, जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ पुष्टि करना चाहते हैं, देयर वी यूज साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एंड अवर सेकंड नेक्स्ट सिंबल इज मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, स्टूडेंट, जिसे हम विस्म्यादी बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इट्स शेप इज वन लाइन एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप। इसकी शेप यू कैन सी इन वीडियो, दिस शेप इज़ कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इज़ यूज, कहाँ यूज होता है? व्हेन वी हैव सडन फीलिंग ऑफ हेट, जब हमारे अंदर से अचानक कहीं घृणा, प्यार, दुख और खुशी की बात निकले, ऐसा भाव निकले, तो सरप्राइज, हैरानी का भाव निकले, तो देयर वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उस भाव को बताने के लिए हम एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ फाइन डे, कितना प्यारा दिन, यानी कि हम हैरान हैं डे को देखकर, मौसम को देखकर, और हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ किया है। अलास,
ही इज रुइंड, बड़े दुख की बात है, वह नष्ट हो गया, वह विनाश हो गया, वह लुट गया, इट मीन्स इट इज फीलिंग ऑफ सोरो। हमने एलास के बाद एलास क्या शो कर रहा है, फीलिंग ऑफ सोरो, और किसके साथ, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। नेक्स्ट हुर्रा, मजा आ गया, वी हैव वन। हुर्रा किसकी फीलिंग को, हुर्रा किसकी फीलिंग को, जॉय की, जब हमने कुछ अचीव कर लिया तो वी से ब्रेवो, वी हैव वन, शाबाश तुम जीत गए, शाबाश हम जीत गए। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग क्लियर दीज साइंस एंड देयर यूजेस। लास्टली इज इन्वर्टेड कॉमा, सेवन्थ सिंबल इज इन्वर्टेड कॉमास, यू नो इन्वर्टेड कॉमा, टू कॉमास इन स्टार्टिंग एंड आफ्टर सम गैप टू कॉमा इज एट द एंड। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में दो कॉमा और उसके बाद कुछ गैप के बाद दो कॉमा, इट मीन्स दीज आर इन्वर्टेड कॉमा, इनको इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। वेयर आर दीज यूज्ड, कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन एनी सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, जब हम कोई बात किसी के साथ डायरेक्ट फॉर्म में करते हैं, जब कोई बात हम किसी के साथ डायरेक्ट फॉर्म में, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास आर प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझे डायरेक्टली क्या कहा, वर्क हार्ड, क्या कहा, मेहनत करो, तो वर्क हार्ड क्या हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच। तो वर्क हार्ड किसे पहले हमने क्या लगाए, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। यू नो दिस रूल इन नरेशन, नरेशन में आपने देखा होगा, सुना होगा, एक्सप्लेन किया हुआ ये टॉपिक बच्चे 8th में भी, और तो हमने कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कॉमा को हटा कर क्या लगाते हैं बच्चे, कंजक्शन, दैट, इफ, कैन यूज्ड एंड इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। उसके बाद है बच्चे कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैपिटल लेटर आर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन, बड़े शब्दों का, बड़े अक्षरों का यानी कि बोल्ड लेटर का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य के पहले अक्षर का पहला लेटर, तो हम क्या डालते हैं बच्चे, कैपिटल डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग, इस सेंटेंस को लिखने के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे, द का पहला लेटर टी, सन का, सन क्या है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, तो एस कैपिटल डालेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज, किसी भी मंथ महीने के नाम का पहला लेटर, जैसे जनवरी, जनवरी को आप शॉर्ट जे से स्टार्ट नहीं करेंगे, लाइक संडे, दिनों के नाम, संडे का एस आप कैपिटल डालेंगे। और हम डालते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ आ लैंग्वेज, किसी भाषा का पहला नाम, रिलीजन, किसी धर्म का पहला अक्षर, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, हिंदी एच कैपिटल, द हिंदूज टी कैपिटल, एच कैपिटल। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस साइन एंड पंक्चुएशन मार्क। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन आस्क मी पर्सनली आर इन ग्रुप ऑल्सो। लेटर ऑन वी विल आई विल गिव यू प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस। रेस्ट ऑफ ऑल इज ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।